और ये ईद की हमारी फर्स्ट शॉपिंग थी, तो आज से शॉपिंग करना कर दी हमने स्टार्ट। लेकिन Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. Huh? Oh, fitting on the sides of an art. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक है आप सबकी दुआ से, फजलो करम से। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमजान में ब्लॉगिंग भी काफ़ी अच्छी जा रही है, तो सब कुछ बेहतर जा रहा है। और आज अल्लाह के फजलो करम से पूरे रोजे हो चुके हैं, तो आज मुझे ये पता ही है कि आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रोज़े मज़े के जा रहे हैं, क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो पता ही नहीं चलता। असल में बात ये है ना कि काम काज करो तो रोज़े का पता नहीं चलता। और आज हम गए थे शॉपिंग पे, लोग मुझसे कमेंट्स में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने ना ईद की शॉपिंग हमें दिखाई, तो अभी तक ईद की शॉपिंग की ही नहीं है, अभी तो थोड़ी सी बस स्टार्ट की है। तो आज एक दो चीज़ें लाई हूँ, बट वो ईद की शॉपिंग में चाह रही हूँ कि पिछले बार भी जब मैंने ना इतनी सारी शॉपिंग जमा की थी पिछले ईद पे, मुझे मेरे हस्बैंड ने सिर्फ 10 सूट और 6 जोड़ी सैंडल्स की लाके दी थी, और 2 से 3 मेरे बैग थे, और इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें थी, ये चीज़ें थी। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा शॉपिंग शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि ना पिछले 2 महीना पहले से मुझे ना स्टार्ट की थी वो शॉपिंग। तो इस बार तो आप लोगों को पता है पार्टी के चक्करों में हम तो शॉपिंग करना ही भूल गए थे, तो अभी हमने स्टार्ट किए। और बहुत ही मुश्किल से चीज़ें पसंद आती है। दूसरी बात ये कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के साथ साथ इतनी महंगाई भी है, तो अब सब के लेना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी 3 बेटियां हैं, तो सब कुछ देख के लेना पड़ता है। बट ना अभी शॉपिंग स्टार्ट कर ली है, तो अल्लाह ताला सब कुछ केयर कर देगा। तो शॉपिंग अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली नहीं हूँ,
क्योंकि जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी ना तो फिर शॉपिंग का अलग से व्लॉग बनाएंगे, तो फिर आपको हम अपनी शॉपिंग भी दिखाएंगे। तो बस यही कहना था। अलबत्त रोज़े तो मेरे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और माशाल्लाह से पूरे रोज़े रखे हैं। और रोज़ों में ना मैं बिल्कुल भी ना रोज़ों में वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि चेहरा एकदम से बस वो हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं रोज़े में वीडियो नहीं बनाती, रोज़े के बाद बनाती हूँ। मुझे कुछ लोग मैसेज करते हैं ना कि हम आपका व्लॉग लोग रोज़ों के बाद देखते हैं, तो बेटा नियत नियत की बात होती है। तो रोज़ों के बाद देखने से कौन सा मेरे व्लॉग को आपको देखने से नेकी मिल जाएगी, या तो रोज़े में देखने से कौन से आपको मेरा व्लॉग देखने से आपके खाते में मेरे से गुनाह लिखे जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती, बात होती है नियत नियत की। तो खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए। और किसी ने सच ही कहा है कि पेड कमेंट्स करने वालों को मैं बिला जा वीडियो बना के ना अपना टाइम ज़ाया करती हूँ, उनको इम्पोर्टेंट उनको ना वैल्यू देती हूँ, लेकिन पता है बात यही नहीं है, मैं अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। लेकिन मैं ना वैसे तो मुझे पेड कमेंट्स तो रेगुलर आते हैं, क्योंकि ना लोग ना अपनी आदत और औकात से मजबूर होते, भूलते नहीं है, और जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता ना बोलने के लिए तो फिर मैं भी ना उन लोगों का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैं भी इतनी ना बुरी हूँ नहीं, अच्छी तो नहीं कहूँगी, बुरी हूँ नहीं कि ना लोगों को इतनी वैल्यू दूँ। जो मुझे वैल्यू देता है तो हम उनको देते हैं, और जो हमें नहीं देता तो खैर हम उनको नहीं देते। तो बस यही कहना था कि रोज़े तो अच्छे से जा रहे हैं, और बस एक बात ये है कि रोज़ों में स्कूल स्टार्ट है ना तो थोड़ी सी थकन ज़्यादा हो जाती है, तो जिस वजह से मैं बिल्कुल भी अब तो खैर सहरी तो मैं करती ही नहीं हूँ इतनी खास, क्योंकि सहरी और जो रात का खाना होता है ना तो मेरा एक साथ ही हो जाता है, तो सहरी तो मैं करती ही नहीं हूँ। तो बस अफ्तारी की बात ही कि अफ्तारी के टाइम पे ना टाइम ही नहीं बचता, और कोई होता भी नहीं ना मेरी वीडियो बनाए, तो वीडियो बनाने के लिए कोई होता ही नहीं है कि कोई वीडियो बनाए। तो लोगों को पता है ना रोज़ों में बंदे का खासकर जब अफ्तारी का टाइम होता है तो फिर ना दिमाग थोड़ा सा सुन हो जाता है, तो इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाती। लेकिन खैर किस दिन कोई खास अफ्तारी बनाई और छुट्टी का दिन हुआ तो एक लोग अफ्तारी का भी बनाएंगे और शॉपिंग का लोग अलग से बनाएंगे। तो आज भी हम गए थे शॉपिंग के, और शुक्र है कि अब ना शॉपिंग मॉल्स ना दिन में, शॉपिंग मॉल्स ना रात में खुलने लगे हैं, तो दिन में एक तो दिन में ना निकलते ना बस बच्चों की स्कूल है, स्कूल की छुट्टी 2:30 बजे होती है, उसके बाद बच्चे आते थे तो निकलते काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता था, उसके बाद 5 बजे तो बस बंद करने का टाइम होता था, तो शॉपिंग हो ही नहीं पाती थी। तो खैर आज मैंने कहा कि मैं कर लूँगा आप लोगों से बात, मुझे मेरे जो खास फैंस हैं उन्होंने मुझे शॉपिंग के व्लॉग का कहा था, तो मैंने कहा कि बता दूँ। खैर अभी तो 7 रोज़े हुए और 8वीं सहरी है, तो आज माशाल्लाह से 8वीं सहरी है, 8वां रोज़ा रखने वाले हैं, तो फाइनली संडे का दिन होगा, तो खूब आराम करूँगी। रमज़ान में नींद बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है, तो नींद की वजह से थोड़ी सी तबीयत भी डिस्टर्ब रहती है, और तकरीबन सारे ही लोग सहरी तक तो जगते हैं। यही भी मसला है ना, पिछला रमज़ान जो था ना बहुत से गुजरा था, वो पता है क्यों सुकून से गुजरा था, वो इसलिए सुकून से गुजरा था कि उसमें ना स्कूलों की छुट्टियाँ थी, तो बंदा ना कोई बात नहीं सहरी के टाइम पे है ना सोता है, तो फिर उसके बाद 12 बजे भी उठते थे ना तो प्रॉब्लम नहीं होती थी, 6 बजे सो 12 बजे उठो तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा होता है ना कि 6 बजे सोते हैं तो फिर ना 10 बजे उठना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, और एक बार उठ जाओ ना तो फिर नींद नहीं आती है। तो बस यही बात थी कि फिर दोबारा नींद नहीं आती, और नींद नहीं हो पाती, और नींद नहीं होती तो फिर जाहिर सी बात इंसान की तबीयत पे असर पड़ता है, और मुझे तो नींद पूरी चाहिए। तो हमारी शॉपिंग थी, फर्स्ट शॉपिंग थी, तो हम आपको शॉपिंग दिखाएंगे रमज़ान के एंड के दिनों में, रमज़ान से 1-2 दिन पहले शॉपिंग का व्लॉग बनाएंगे और देखिएगा कि मैंने क्या किया। और ये ईद की हमारी फर्स्ट शॉपिंग थी, तो आज से शॉपिंग करना कर दी हमने स्टार्ट, लेकिन फिर भी ना अब यहाँ के मॉल में मैं गई थी तो यहाँ के मॉल में मुझे कुछ समझ नहीं आया। अलबत्ता जिस मॉल की वीडियो है एटीएम मॉल है, वहाँ हम गए थे, डॉलमेन भी गए थे, तो खैर अब मुझे जाना है लकी वन मॉल, इंशाल्लाह मौका लगा तो मॉल की वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बट आप लोगों को तो पता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के ख़िलाफ़ होते हैं, पता नहीं क्या हो जाते हैं, वीडियो बनाने नहीं देते। तो आप लोग को एक बार फिर से बता दूँ, तो शॉपिंग का व्लॉग भी हम बनाएंगे, और किस लेडीज़ को शौक नहीं होता कि शॉपिंग करके ना वो किसी को दिखाए नहीं। तो खैर आज का व्लॉग इतना ही था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसके साथ ही लेंगे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।